मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रीना रानी, हिंदी मिस्टर्स, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मल्ला वाला खास फूलपुर। बच्चों, पहले हमने किया संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं संज्ञा, और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। आज करेंगे हम क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना, जाना, नहाना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया के भेद होते हैं दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, श्याम गाता है, अकर्मक क्रिया इसे कहते हैं, मतलब जिसमें कोई कर्म ना हो। दूसरा नंबर है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्ता भी हो और कर्म हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम पत्थर लिखता है, श्याम फल खाता है, और ऐसे बहुत सारी उदाहरणें हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? इसके भेद कितने हैं? भेद कितने हैं? परिभाषा, क्रिया होती क्या है? जिन शब्दों से किसी काम का करना जा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरणें हैं, जैसे करना, खाना, पढ़ना, गाना, आना, जाना, ये सब क्या है? ये सब शब्द क्रिया है। क्रिया के भेद दो होते हैं। दो नंबर एक अकर्मक क्रिया, नंबर दो सकर्मक क्रिया। क्रिया जैसे आपको बताया कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो, जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो, जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं।
जैसे राम पढ़ता है, श्याम खाता है, रमन गाता है, शीला लिखती है, इन सभी में क्या कर्म करता तो है जैसे राम करता है, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं है। ये राम करता है, पढ़ता है, क्रिया इसका कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया की उदाहरण है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, सकर्मक क्रिया। सेकंड नंबर सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कोई कारण हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं जैसे पहले था राम खाता है, जैसे राम खाना खाता है, खाना इसमें क्या है, कर्म। राम करता खाना, कर्म खाता है क्रिया। शीला पत्थर लिखती है, इसमें शीला करता, पत्थर क्या है कर्म और लिखना क्रिया। रमन फुटबॉल खेलता है, इसमें रमन करता, फुटबॉल कर्म और खेलना क्रिया। इसमें तीनों है, करता कर्म और क्रिया। जिसमें जिस क्रिया का कोई कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, आप बताओगे कि कौन सी अकर्मक क्रिया और कौन सी सकर्मक क्रिया है। राम फल खाता है, शीला खाना खाती है, रमन किताब पढ़ता है, गगन गाता है, अमन खेलता है, सीता फल खाती है, आप सब ये बताओ।
कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया रामफल करता है? सकर्मक क्रिया। ओके, इसमें फल क्या है? कर्म। चीला खाना खाती है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। रमन किताब पढ़ता है, ये भी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। गगन गाता है, इसमें कर्म नहीं है, ये आएगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अमन खेलता है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, ये भी अकर्मक क्रिया। सीता फल खाती है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अमन खेलता है, ये भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। इसमें कोई कर्म नहीं है। धन्यवाद।